एक ट्वीट जिसने संथाल की सियासत में गर्माहट ला दी, एक ट्वीट जिसने दुमका से लेकर राजधानी रांची तक राजनीतिक पारा को गर्म कर दिया, एक ट्वीट जिसमें बड़ी बहू माफी पर माफी मांग रही है और उनकी पुरानी पार्टी माफी के बजाय इसे सियासी मुद्दा बनाने में जुटी है। क्या है पूरा मामला, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सोरेन परिवार की बड़ी बहू जिन्होंने दिशोम गुरु के आशीर्वाद से जनता और झामुमो कार्यकर्ताओं के दिलों पर राज किया, लेकिन सियासी धुरी बदलते ही सीता सोरेन ने दिशोम गुरु के ही खिलाफ भाषाओं की सीमा लांग दी। ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो उनके विरोधी भी नहीं करते। झामुमो से रिश्ता तोड़ बीजेपी का दामन थामने वाली सीता सोरेन शायद ये भूल गई कि उनके ट्वीट में शिबू सोरेन के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वैसी भाषा उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता तक नहीं करते। खुद कभी प्रधानमंत्री मोदी तक ने भी शिबू सोरेन के खिलाफ कभी ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल नहीं किया। ट्वीट करते वक्त सीता सोरेन शायद ये भूल गई कि जिस दुमका के दंगल में वो ताल ठोक रही हैं, उस दुमका की सियासी जमीन को झामुमो के लिए उपजाऊ बनाने में शिबू सोरेन ने दिन रात एक की है। दुमका के दंगल में उतरते ही सीता सोरेन ने परिवार पर सबसे बड़ा हमला किया। झामुमो खामोश रहा, कल्पना सोरेन का नाम लिए बगैर उन पर वार हुआ। झामुमो ने दूरियां बनाए रखा, जुबान ना खोलने की सीता सोरेन ने धमकी तक दी थी। जेएमएम ने सीता सोरेन का तब भी सम्मान किया क्योंकि हिदायत हेमंत की थी कि घर की बहू है सीता सोरेन, बड़ी भाभी हैं, उनके खिलाफ झामुमो कोई बयानबाजी नहीं करेगा। लेकिन दिशोम गुरु पर यह हमला झामुमो को बर्दाश्त नहीं हुआ, सीता सोरेन पर आक्रमक पलटवार हुआ। दुमका के मैदान में भले ही बीजेपी से सीता सोरेन लड़ रही हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास है कि बाबा की सिंची हुई सियासी जमीन पर ही वो दंगल कर रही हैं और इस दंगल में उन्होंने दिशोम गुरु के खिलाफ ही सोशल मीडिया एक्स पर वो बयान दे दिया है जिस पर बवाल मच गया है। सोशल मीडिया एक्स पर उनका ट्वीट सियासी काम कर चुका था। बवाल के बीच सफाई के साथ सीता सोरेन आगे आई, माफी मांगी, माफी भी उसी मंच एक्स पर मांगी जहां से बवाल मचा था। उन्होंने लिखा कि चुनावी व्यस्तताओं के कारण वे अपना सोशल मीडिया खुद नहीं चला पा रही हैं और इसकी जिम्मेदारी एक सोशल मीडिया टीम को दी गई थी जिसकी तरफ से ये चूक हुई है, मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई कर दी गई है। साथ ही वो ये भी कहना चाहती हैं कि जिसने भी मेरी राजनीति को देखा है वो जानते हैं कि मैं बाबा का कितना सम्मान करती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज़।